नीमच में जनसुनवाई के दौरान भ्रष्टाचार के खिलाफ अनोखे विरोध प्रदर्शन का मामला सामने आया है। सिंगोली तहसील के मुकेश प्रजापति ने चप्पल सिर पर रखकर और कागजों की माला पहनकर कलेक्टरेट में अपनी गुहार लगाई। नीमच के कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान एक युवक मुकेश प्रजापति अपनी आवाज प्रशासन तक पहुंचाने के लिए अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन को अपनाया। सिंगोली तहसील के काकरिया तुलाई गांव के निवासी मुकेश ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कागजों की माला पहनी और सिर पर चप्पल रखकर प्रदर्शन किया। मुकेश ने बताया कि वह पिछले 7 सालों से पंचायत में भ्रष्टाचार की शिकायत कर रहा है, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। निराश होकर उसने यह अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम जावद राजेश शाह के नेतृत्व में 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया और 3 दिन में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मैं देश के लिए कर रहा हूँ, उसमें निजी स्वार्थ नहीं है मेरा। भ्रष्टाचार होता है तो देश के लिए अगर कर रहा हूँ मैं, एक और जनता के खजाने में जाएगा, मेरा क्या स्वार्थ है इसमें। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।